इसलिए खुसर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ीशान का रवैया आप सोनिया के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। सोनिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि हे मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी, और वो दुआ जो कभी मेरे होठों पर आई ही नहीं थी। अब ज़ीशान का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा होता है और सोनिया बहुत ज़्यादा खुश होती है ज़ीशान के साथ। और दूसरी तरफ अब अहमद भी सब घर वालों के सामने कह देता है कि अगर शाजमा घर नहीं बचाना चाहती तो मैं मज़ीद उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला कब तक अपना घर बचाने की कोशिश करूँ। और दूसरी तरफ अब शाजमा का बहुत हो जाता है, इसी वजह से अब ज़ीशान सोने के साथ आता है। जब शाजमा उन दोनों को एक साथ देखती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि उसने ज़ीशान को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। और दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि शाजमा जब देखती है कि उसकी अम्मी की हालत बहुत ख़राब है तो उनकी अम्मी से कहती है कि अबू के बाद हमारे लिए सब कुछ आप ही हैं, आप तो ये सब ना करें। और दूसरी तरफ नाज़िया भी शाजमा से कह देती हैं कि अब एहसास नहीं हुआ कि तुमने क्या खोया है। और दूसरी तरफ अब शाजमा की अम्मी भी सबके सामने कहने लग जाती हैं कि जो कुछ भी हुआ है ये सब शाजमा की वजह से हुआ है, और शाजमा ही कातिल हैं तुम्हारे बाप की। और दूसरी तरफ जिस औलाद पर की गलतियों पर मैं सारी ज़िंदगी पर्दा डालती रही उसकी वजह से ही आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब शाजमा को सबके सामने वो कह देती हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हो, तुम्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है, और जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारी अना की वजह से हुआ है। अब सब का कसूरवार शाजमा की माँ से ही ठहरा रही होती है। शाजमा बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत अकेलापन फील कर रही होती है।